Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is CMD Hashi. तो हम जानेंगे CMD Hashi जो है वो क्या है. मणिपुर चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह हैज लॉन्च अ वेब पोर्टल टू इनेबल पीपल टू रिड्रेस देयर ग्रीवेंसेस एंड प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू रेज करप्शन रिलेटेड इश्यू. तो किस स्टेट के सीएम ने किया ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह ने लॉन्च किया है एक वेब पोर्टल को जो इनेबल करेगा पीपल को कि वो रिड्रेस कर सकते हैं अपने ग्रीवेंस को. एक प्लेटफॉर्म है जहां पे वो कर सकेंगे करप्शन रिलेटेड इश्यू को. 3 फोन नंबर इंक्लूडिंग 2 मिंट फॉर एंटी करप्शन सेल हैव बीन मेड अवेलेबल ऑन दी पोर्टल CMD Hashi लेट इन्फॉर्म दी सीएम. 3 फोन नंबर जो है जिसमें से 2 जो है एंटी करप्शन सेल का होगा वो अवेलेबल कराया जाएगा इस पोर्टल पे CMD Hashi लेट इन्फॉर्म दी सीएम के अंतर्गत. दिस विल फर्दर इनेबल अस टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी टू गवर्नेंस एंड डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस. और ये जो है इनेबल करेगा ट्रांसपेरेंसी लाने में और अकाउंटेबिलिटी को गवर्नेंस के लिए और डिलीवर करेगा पब्लिक सर्विसेज को. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टर्न्स सीवीड इनटू 100% डिजोल्वेबल लो कॉस्ट पैकेजिंग. सीवीड को 100% डिजोल्वेबल बनाया गया लो कॉस्ट पैकेजिंग के लिए. तो हम जानेंगे इसके बारे में. आफ्टर क्विटिंग हर जॉब एट गूगल नेहा जैन लॉन्च जीरो सर्कल आई स्टार्टअप दैट कन्वर्ट सीवीड इनटू लो कॉस्ट इको फ्रेंडली प्लास्टिक अल्टरनेटिव फॉर पैकेजिंग एंड मोर. अपने जॉब को क्विट करने के बाद गूगल से नेहा जैन ने लॉन्च किया है जीरो सर्कल को जो कि एक स्टार्टअप है जो कन्वर्ट कर रहा है सीवीड को लो कॉस्ट इको फ्रेंडली प्लास्टिक अल्टरनेटिव के तौर पे पैकेजिंग और बाकी प्रोडक्ट के तौर पे यूज करने के लिए. तो किसने किया वो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्या. तो जीरो सर्कल का क्या उपयोग है. सीवीड इज कंसिडर अ पोटेंशियल रिसोर्स फॉर मेकिंग बायो प्लास्टिक बिकॉज इट कम्स विथ अ लोअर वाटर फुटप्रिंट एंड लैंड फुटप्रिंट. सीवीड को कंसीडर किया जा रहा है कि एक पोटेंशियल रिसोर्स है जो कि बायोप्लास्टिक के द्वारा बन रहा है. ये जो है लोअर वाटर फुटप्रिंट और लैंड फुटप्रिंट को ऑक्यूपाई करता है. जीरो सर्कल यूज लार्जली रेड ब्राउन एंड ग्रीन सीवीड विच अमाउंट टू अबाउट 12,000 स्पीसीज. और जीरो सर्कल जो है वो यूज करता है लार्जली रेड ब्राउन और ग्रीन सीवीड का जो कि अमाउंट करता है अबाउट 12,000 स्पीसीज को. After collecting the seaweed, it is dried and turned into a powder, which is then turned into the final material, which they make handbag, bag for cloth, fur, for food, and make plastic alternative. कलेक्ट करने के बाद सीवीड को इसको सुखाया जाता है और उसके पाउडर बनाया जाता है. उसके बाद इसको फाइनल मटेरियल तैयार होता है. इससे हैंडबैग, बैग फॉर क्लॉथ, फिल्म फॉर फूड और मोर प्लास्टिक अल्टरनेटिव को तैयार किया जा रहा है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लाइमेट चेंज अल्टरिंग इंडियन मॉनसून. जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिसके कारण अल्टरेशन देखा गया इंडियन मौसम में हम जानेंगे इसके बारे में. तो एज पर रिसेंट स्टडी देयर हैज बीन अ मार्केबल इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द इंडियन मॉनसून. जो रिसेंट स्टडी है उसके अनुसार मार्केबल इम्पैक्ट पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज का इंडियन मॉनसून के ऊपर. तो क्या चेंजेस है हम उसको समझते हैं. इंक्रीजिंग फ्लक्चुएशन इन मॉनसून. तो फ्लक्चुएशन जो है काफी ज्यादा बढ़ा है मॉनसून पे. लॉन्ग ड्राई पीरियड एंड शॉर्ट स्पेल्स ऑफ हैवी रेन. मॉनसून इज बिकमिंग लेस फ्रीक्वेंट एंड मोर इंस्टेंस. जो लंबा ड्राई पीरियड हो गया जो शॉर्ट स्पेल हो गया हैवी रेन का मॉनसून जो है वो लेस फ्रीक्वेंट हो गया लेकिन काफी ज्यादा इंटेंस होता है जिस कारण फ्लैश फ्लड की जो इंसिडेंट वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है. शिफ्ट इन लो प्रेशर एंड डिप्रेशन जोन साउथ ऑफ देयर पोजिशन. शिफ्ट हुआ लो प्रेशर और डिप्रेशन जोन साउथ में अपने पोजिशन से. दिस हैज रिजल्टेड इन एक्सेसिव रेनफॉल इन स्टेट सच एज एमपी गुजरात राजस्थान एंड पार्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर एरियाज सच एज वेस्ट बंगाल झारखंड एंड बिहार डिड नॉट रिसीव नॉर्मल रेनफॉल. जो शिफ्ट हुआ है लो प्रेशर और डिप्रेशन जोन का साउथ में अपने पोजिशन से इसके कारण एक्सेसिव रेनफॉल देखा गया है मध्य प्रदेश गुजरात राजस्थान जैसे स्टेट पे जबकि अदर एरियाज हो गया जैसे कि आपका वेस्ट बंगाल झारखंड बिहार इन सब में नॉर्मल रेनफॉल से कम हो रहा है. क्या प्रभाव पड़ रहा है इसका. इंक्रीजिंग पेस्ट अटैक चेंज इन प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर इंक्रीजिंग वाटर स्कैर्सिटी इंक्रीजिंग डिजास्टर एंड डिजीज. जो आपका चेंज हो रहा है अल्टर हो रहा है मॉनसून इसके कारण पेस्ट अटैक की जो केसेस वो बढ़े हैं. प्रोडक्टिविटी में बदलाव देखा गया एग्रीकल्चर का. वाटर स्कैर्सिटी के केसेस काफी ज्यादा इंक्रीज हुए हैं. डिजास्टर और डिजीज के केसेस में भी काफी ज्यादा इजाफा देखा गया है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्लोबल रजिस्ट्री ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. हम जानेंगे ग्लोबल रजिस्ट्री ऑफ फॉसिल फ्यूल्स के बारे में. क्लाइमेट कैंपेनर हैव लॉन्च दी वर्ल्ड फर्स्ट रजिस्ट्री ऑफ फॉसिल फ्यूल रिजर्व प्रोडक्शन एंड एमिशन. जो क्लाइमेट कैंपेनर है उन्होंने लॉन्च किया है वर्ल्ड का पहला रजिस्ट्री फॉसिल फ्यूल रिजर्व प्रोडक्शन एंड एमिशन के लिए. द ग्लोबल रजिस्टर ऑफ फॉसिल फ्यूल इज द फर्स्ट लार्ज स्केल पब्लिक डाटाबेस टू ट्रैक व्हाट इज येट टू बी बर्न. जो ग्लोबल रजिस्ट्री ऑफ फॉसिल फ्यूल का यह पहला लार्ज स्केल पब्लिक डाटाबेस होगा जो ट्रैक करेगा कि जिसको हम बर्न करेंगे उसको.
कार्बन ट्रैकर आर नॉट प्रॉफिट थिंक टैंक दैट रिसर्चेड द एनर्जी ट्रांजिशन इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल मार्केट एंड द ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर विच ट्रैक अ रेंज ऑफ ग्लोबल एनर्जी प्रोजेक्ट जॉइंटली डेवलप्ड द रजिस्ट्री। तो कार्बन ट्रैकर जो कि एक नॉन प्रॉफिट थिंक टैंक है जो कि रिसर्च करता है एनर्जी ट्रांजिशन के ऊपर, फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर और ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर के ऊपर, ये ट्रैक करता है जो ग्लोबल एनर्जी प्रोजेक्ट है उसको, जिसको जॉइंटली डेवलप किया गया है रजिस्ट्री के द्वारा। दिस ऑर्गेनाइजेशन होप द रजिस्ट्री विल इम्पावर ग्रुप टू होल्ड गवर्नमेंट अकाउंटेबल इन ए रेंज ऑफ सिनेरियो, फॉर एग्जाम्पल वेन इश्यूइंग लाइसेंस फॉर फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शन। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आशा करती है कि जो ये रजिस्ट्री होगा वो इम्पावर करेगा ग्रुप को कि वो होल्ड करे गवर्नमेंट को अकाउंटेबल जो सिनेरियो है, जैसे कि जो वो इश्यू करता है लाइसेंस को फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शन के लिए, तो उसके लिए वो अकाउंटेबल बनाए उनको। द इन्वेंट्री इंक्लूड डाटा फ्रॉम मोर देन 50,000 ऑयल गैस एंड कोल फील्ड इन 89 कंट्रीज कवरिंग 75% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन। और ये जो इन्वेंट्री है वो इंक्लूड करेगा डाटा को मोर देन 50,000 ऑयल गैस एंड कोल फील्ड का 89 कंट्रीज में, और ये कवर करेगा 75% ग्लोबल प्रोडक्शन का। विद द रजिस्ट्री इट विल बी मच इजियर टू इंक्लूड एक्सपेक्टेड फ्यूचर एमिशन इन टू द एनालिसिस एंड दस आइडेंटिफाई एंड प्रायोरिटाइज द कंपनीज विद द ग्रेटेस्ट रिस्क ऑफ हार्बरिंग एसेट लाइकली टू बिकम स्ट्रैंडेड। और इस रजिस्ट्री के मदद से ये काफी ज्यादा आसान हो जाएगा इंक्लूड कर पाना एक्सपेक्टेड फ्यूचर एमिशन को, उसके एनालिसिस को, और आइडेंटिफाई कर पाना और प्रायोरिटाइज कर पाना कंपनी को जो ग्रेटेस्ट रिस्क पे है हार्बरिंग एसेट को लेके, जो कि स्ट्रैंडेड इसमें बताया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ECI सीक रेस्ट्रिक्शन ऑन कैश डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उन्होंने रेस्ट्रिक्शन की बात कही है कैश डोनेशन को लेकर पॉलिटिकल पार्टीज का। तो हम जानेंगे ऐसा क्यों कहा गया, इसका एम क्या है और क्या रिकमेंडेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिया है। इलेक्शन कमीशन हैज प्रपोज रिड्यूसिंग एनोनिमस पॉलिटिकल डोनेशन टू ₹2,000 फ्रॉम ₹20,000 एंड कैपिंग कैश डोनेशन एट 20% और एट मैक्सिमम ऑफ ₹20 करोड़ टू क्लींज इलेक्शन फंडिंग ऑफ ब्लैक मनी। इलेक्शन कमीशन ने प्रपोज किया है कि रिड्यूस किया जाए जो एनोनिमस पॉलिटिकल डोनेशन है उसको 2000 किया जाए 20,000 से, और कैप करने की बात कही गई है कैश डोनेशन को 20% या मैक्सिमम 20 करोड़ का होना चाहिए ताकि क्लीन किया जा सके जो इलेक्शन फंडिंग या ब्लैक मनी है उसको। मकसद क्या है इसका, ट्रांसपेरेंसी लाना, रिफॉर्म एंड ट्रांसपेरेंसी इन डोनेशन रिसीव बाय पॉलिटिकल पार्टी। रिफॉर्म लाना और ट्रांसपेरेंसी लाना डोनेशन को लेके जो कि रिसीव किया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। इक्वल प्ले फील्ड, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय कैंडिडेट हु वांट टू फाइट इलेक्शन, यानी इक्वल प्ले फील्ड मिले हर एक पार्टी को, जो एक्सपेंडिचर खर्च किया जा रहा है कैंडिडेट के द्वारा जो लड़ना चाहता है इलेक्शन को, सबके लिए इक्वल प्ले फील्ड तैयार हो। रिपोर्टेड ऑल डोनेशन अबव ₹2,000 शैल बी रिपोर्टेड देयर बाय इनहेंसिंग ट्रांसपेरेंसी इन फंडिंग। और जो सारा डोनेशन होगा 2000 से ऊपर का उसको रिपोर्ट करना होगा ताकि ये इनहेंस करे ट्रांसपेरेंसी को फंडिंग के लिए। अदर रिकमेंडेशन, इसके अलावा जो रिकमेंडेशन दिया गया है, डिजिटल ट्रांजेक्शन की बात कही गई है। इलेक्शन कमीशन है शॉर्ट टू मेक डिजिटल ट्रांजेक्शन और अकाउंट पे चेक ट्रांसफर मैंडेटरी फॉर ऑल एक्सपेंसेज अबव ₹2,000 टू ए सिंगल एंटिटी और पर्सन। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जो डिजिटल ट्रांजैक्शन व अकाउंट पे चेक ट्रांसफर जो है वो मैंडेटरी हो जाएगा सारे एक्सपेंसेस के लिए जो भी अबव ₹2,000 होगा सिंगल एंटिटी या पर्सन के लिए। अमेंडमेंट टू रूल 89 ऑफ द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961। अमेंडमेंट की बात कही गई है जो रूल 89 है कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 का। अ कैंडिडेट वुड हैव टू मेंटेन अ सेपरेट अकाउंट फॉर रिसीप्ट एंड पेमेंट रिलेटेड टू इलेक्शन एंड द सेम हैज टू बी ट्रांसपेरेंटली डिस्क्लोज टू अथॉरिटी एज एन अकाउंट ऑफ इलेक्शन एक्सपेंडिचर। अ कैंडिडेट को मेंटेन करना होगा एक सेपरेट अकाउंट को रिसीप्ट और पेमेंट का जो कि रिलेटेड होगा इलेक्शन से, और उसका ट्रांसपेरेंटली डिस्क्लोज करना होगा अथॉरिटी के पास जो अकाउंट है इलेक्शन एक्सपेंडिचर का। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट एंड फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट और फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है 2010 का, इसमें इलेक्शन कमीशन ने कहा है इलेक्ट्रोल रिफॉर्म की बात को ताकि इंश्योर किया जाए कि कोई भी फॉरेन डोनेशन जो है वो फंड में ना हो पार्टीज के जो कि स्टिपुलेट करे इस लॉ को। प्रेजेंट रूल क्या है, पॉलिटिकल पार्टी हैव टू डिस्क्लोज ऑल डोनेशन अबव ₹20,000 टू देयर कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट दैट इज सबमिटेड टू द इलेक्शन कमीशन। अभी क्या है, पॉलिटिकल पार्टी को डिस्क्लोज करना पड़ता है सारे डोनेशन को जो भी ₹20,000 से ऊपर का है कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट में, जो कि सबमिट किया जाता है इलेक्शन कमीशन के पास। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा MHA नोटिफिकेशन ऑफ कन्विक्ट बायोमेट्रिक। जो MHA का नोटिफिकेशन है कन्विक्ट बायोमेट्रिक को लेकर इसको हम समझेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर हैज नोटिफाइड द रूल गवर्निंग द क्रिमिनल प्रोसीडियर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 दैट वुड इनेबल पुलिस एंड सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी टू कलेक्ट स्टोर एंड एनालाइज फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सैंपल इंक्लूडिंग रेटिना एंड आयरिस स्कैन ऑफ अरेस्टेड पर्सन।
मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने नोटिफाई किया रूल को जो गवर्न करेगा क्रिमिनल प्रोसीड्योर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 को। ये इनेबल करेगा पुलिस और सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को कि वो कलेक्ट कर सकेंगे, स्टोर कर सकेंगे, एनालाइज कर सकेंगे फिजिकल या बायोलॉजिकल सैंपल को, जो कि इंक्लूड करता है रेटिना और आइरिस स्कैन को अरेस्टेड पर्सन का। की हाईलाइट क्या है जो प्रोसीड्यूर है, ये रूल जो है नहीं मेंशन करा प्रोसीड्यूर को जिसको कि अडॉप्ट किया जाएगा कन्विक्टेड पर्सन के लिए सीरियस ऑफेंस और कोर्ट ऑर्डर। जो सीरियस ऑफेंस और कोर्ट ऑर्डर की बात कही गई है, द मेजरमेंट ऑफ पर्सन डिटेन अंडर वेरियस प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ शैल नॉट टेकन अनलेस क्लब्ड विद अ सीरियस ऑफेंस और ऑर्डर बाय ए कोर्ट। जो मेजरमेंट है पर्सन का जिसको डिटेन किया गया है वेरियस प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंतर्गत, वो नहीं लिया जाएगा जब तक इसको क्लब्ड किया जाए सीरियस ऑफेंस या कोर्ट का ऑर्डर ना हो तब तक। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो अंडर द एमएचए विल डायरेक्ट स्टेट ऑन हाउ टू कलेक्ट एंड स्टोर द इन्फॉर्मेशन। और जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है ये मिनिस्ट्री एमएचए के अंतर्गत ये डायरेक्ट करेगा स्टेट को कि किस तरीके से कलेक्ट किया जाएगा या स्टोर किया जाएगा इन्फॉर्मेशन को। सेक्शन 53 एंड 53 ए ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्योर 1973। तो सेक्शन 53 और 53 ए है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्योर 1973 का। द रूल से दैट रिकॉर्ड ऑफ मेजरमेंट शैल बी स्टोर एंड प्रिजर्व इन अ सिक्योर एंड इनक्रिप्टेड फॉर्मेट एज स्पेसिफाइड इन द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर बाय द एनसीआरबी फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये जो रूल है ये बताता है कि जो रिकॉर्ड ऑफ मेजरमेंट होगा उसको स्टोर करना होगा, प्रिजर्व करना होगा एक सिक्योर और इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में, जैसा कि स्पेसिफाई किया जाएगा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर के माध्यम से एनसीआरबी के द्वारा समय समय पर। इंडियन पेनल कोड 1860 एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 अनऑथराइज एक्सेस डिस्ट्रीब्यूशन और शेयरिंग ऑफ डाटा कलेक्टेड अंडर द एक्ट शैल बी पनिशेबल एज पर द लॉ। और जो इंडियन पैनल कोड 1860 है और जो इन्फॉर्मेशन एक्ट 2000 है, इसके अंतर्गत जो अनऑथराइज एक्सेस या डिस्ट्रीब्यूशन या शेयरिंग होगा जो डाटा कलेक्ट किया जाएगा इस एक्ट के अंतर्गत, तो उसके लिए पनिशमेंट के प्रावधान होगी जो कि पनिशमेंट होगा लॉ के अनुसार। जो मेजर्स जिसको किसमें इंक्लूड किया गया है, तो फिंगर इम्प्रेशन, पाम प्रिंट और फुट प्रिंट, फोटोग्राफ, आइरिस और रेटिना स्कैन, फिजिकल बायोलॉजिकल सैंपल और उसका एनालिसिस, बिहेवियरल एट्रीब्यूट जिसमें कि सिग्नेचर, हैंडराइटिंग या और कोई एग्जामिनेशन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्वच्छ सुजल प्रदेश, पीआईबी का न्यूज है, तो हम जानेंगे स्वच्छ सुजल प्रदेश के बारे में। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हैव गॉट इंडिया फर्स्ट स्वच्छ सुजल प्रदेश सर्टिफिकेशन बाय जल शक्ति मिनिस्ट्री। तो किसको मिला, किस मिनिस्ट्री के द्वारा, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को इंडिया का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश सर्टिफिकेशन मिला है जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा। सर्टिफिकेशन इज प्रोवाइडेड फॉर इंश्योरिंग थ्री थिंग्स। ये जो सर्टिफिकेशन है ये दिया जाता है अगर तीन चीज को इंश्योर किया जा सके, वो क्या क्या है, सेफ एंड सिक्योर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, यानी सेफ और सिक्योर ड्रिंकिंग वाटर का सप्लाई होना चाहिए, ओडीएफ प्लस का स्टेटस होना चाहिए और अवेयरनेस होना चाहिए क्लीनिनेस को लेकर और कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम, तभी दिया जाएगा ये सर्टिफिकेशन स्वच्छ सुजल प्रदेश सर्टिफिकेशन। ऑल द विलेज ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हैव रिसीव हर घर जल सर्टिफिकेशन। और जो सारा विलेज है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का उसको हर घर जल सर्टिफिकेशन मिला है। ये आप देख सकते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ये इंडिया का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडियन स्वच्छता लीग, ये भी पीआईबी का न्यूज है, हम जानेंगे इंडियन स्वच्छता लीग के बारे में। तो जो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 मेडन एडिशन है इंडियन स्वच्छता लीग का, इसने मोबिलाइज किया है 500,000 यूथ और सेलिब्रिटी को कि वो सिटीज को क्लीन, ग्रीन और गार्बेज फ्री बनाए। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 अनाउंस इन बजट 2021-22 इज द कंटिन्यूएशन ऑफ स्वच्छ भारत मिशन अर्बन फर्स्ट फेज लॉन्च फ्रॉम 2014 टू 2019। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू टेप सेफ कंटेनमेंट ट्रांसपोर्टेशन डिस्पोजल ऑफ फेशियल स्लज एंड सेप्टेज फ्रॉम टॉयलेट। जो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 है जिसको कि अनाउंस किया गया था बजट 2021-22 पे, ये कंटिन्यूएशन है आपका स्वच्छ भारत मिशन अर्बन फर्स्ट फेज का ही जिसको लॉन्च किया गया था 2014 से 2019 के लिए। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि सेफ कंटेनमेंट ट्रांसपोर्टेशन हो, डिस्पोजल ऑफ फेशियल स्लज का, सेप्टेज फ्रॉम टॉयलेट का। इसका मकसद क्या है, तो मेक्स ऑल सिटी गार्बेज फ्री, यानी सारे सिटी को गार्बेज फ्री बनाया जा सके, इंश्योर किया जाए कि ग्रे और ब्लैक वाटर मैनेजमेंट हो सारे सिटी के लिए अदर देन जो कि कवर एक अमृत में। ये जो है सारे अर्बन लोकल बॉडीज को ओडीएफ प्लस बनाएगा, ये जो है पॉपुलेशन जिसका लेस देन 1 लाख प्लस है उसको ओडीएफ प्लस प्लस बनाएगा। टाइमलाइन जो है इसके लिए 5 साल का रखा गया है 2021 से 2025 का। नोडल मिनिस्ट्री की अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है इसकी वो नोडल मिनिस्ट्री है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिका सीआईसीए, जानेंगे हम इसके बारे में सिका के बारे में। तो कजाकिस्तान ने इनवाइट किया है इंडियन प्राइम मिनिस्टर को सिका समिट में, कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया।
तो किसने इन्वाइट किया? कजाकिस्तान ने। ये एक फोरम है जिसका मकसद है इनहेंस करना कॉपरेशन को, इलाबरेट करते हुए मल्टीलेटरल अप्रोच को प्रमोट करने के लिए पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को एशिया में। क्या इसका मकसद है वो पता चल गया, किसने इन्वाइट किया था इंडिया को इस पे, तो कजाकिस्तान ने। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो है इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, ह्यूमन, न्यू चैलेंज, ट्रेड, मिलिट्री एक्सेट्रा, ये काफी जरूरी है। सिका के बारे में हम जान ले, इट वॉज फाउंडेड इन 1999 एंड इट इज अ मल्टी नेशनल फोरम ऑफ कंट्रीज हैविंग अ पार्ट ऑफ इट टेरिटरी इन एशिया। इंडिया इज अमॉन्ग इट 27 मेंबर। इसको फाउंड किया गया था 1999 में। ये एक मल्टी नेशनल फोरम है कंट्रीज का, जो इसका पार्ट जो टेरिटरी का एशिया में अगर है वही इसके पार्ट है। इंडिया जो है वो 27 मेंबर्स कंट्री में से एक है। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दिस आर आवर सोशल मीडिया लिंक, फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विद अस एंड गिव अस योर वैल्युएबल फीडबैक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।